नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से। बड़ी खबर, गरियाबंद से जहां किडनी रोग प्रभावित सूपे बेड़ा के लिए एम्स और डीकेएस के डॉक्टर रवाना हुए हैं। शिविर में विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा क्रॉनिकल किडनी डिसीज की विशेष जांच करेंगे और एम्स के किडनी विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर आज एक दिवसीय शिविर लगा रहे हैं। डॉक्टरों ने समुचित परीक्षण के बाद इलाज करने की बात कही है। प्रशासनिक स्तर पर सूपे बेड़ा में तैयारियां पूर्ण हैं और मरीजों को एकत्रित किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गरियाबंद से एम्स और डीकेएस के डॉक्टर्स की टीम सूपे बेड़ा के इलाकों में पहुंची है, जिसमें एक दिवसीय शिविर लगाया गया है। जो मरीज हैं उन्हें चिन्हित कर उनका इलाज किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूपे बेड़ा में एक दिवसीय शिविर लगाया गया है। समुचित परीक्षण के बाद इलाज के लिए उन मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज शुरू किया जाएगा और सभी जो इलाज है वो पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूपे बेड़ा में एक दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। समुचित परीक्षण के बाद इलाज किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण की गई हैं और जैसा कि सूपे बेड़ा वो इलाका है जहां पर किडनी की बीमारी से काफी संख्या में काफी तादाद में मरीज पाए गए हैं, लोगों को परेशानी हुई है और लिहाजा कईयों की मौत भी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सरासमता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, एक दिन से डॉक्टर्स का जो शिविर लगाया जा रहा है उसमें किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार कम से कम भव्य रूप दिया गया है तैयारियों को लेकर। जी बिल्कुल, जैसा कि 2 अक्टूबर को यहाँ पहुंचे हुए थे स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके साथ जो है एम्स के डायरेक्टर भी पहुंचे थे और मंत्री ने सीधा संवाद करके उसी समय ये ऐलान कर दिया था कि अब जो है जांच का हवाला, जो जांच जो है एम्स के हवाले किया जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल में जो है राज्य स्तर पे परीक्षण हुए, राज्य स्तर के डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार इस पे शोध कर रही है, लेकिन अभी तक की कोई नतीजा कोई परिणाम सामने नहीं आया था। यहाँ इसी बात को लेकर जो है उनके जो इलाज के अलावा उनकी देखरेख, उनकी निगरानी, सारी जिम्मेदारी देने का जो ऐलान जो है मंत्री पीएससी ने किया था और उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जो है डॉक्टर जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ किडनी डिसीज के जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम आ रही है। तो जिस हिसाब से जो आने की जो सूचना थी एम्स, क्योंकि एम्स एक बहुत बड़ी संस्था होती है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एम्स किडनी पीड़ित गांव सूपे बेड़ा पहुंच गई, तो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है। एक लिस्टिंग बनाई गई थी जिसमें कौन कौन किडनी पीड़ित है, जो पूर्व में जिनकी जांच हो चुकी थी, जो कि रेटिना लेवल जिनके 2 पॉइंट से ऊपर बढ़े हुए थे, उन लोगों की पहचान की गई है और उन सारे लोगों को जो है आज सूपे बेड़ा में मौजूद रखने की जिम्मेदारी जो है स्थानीय प्रशासन को दिया गया था और इन सारे लोगों से मुलाकात भी टीम करेगी, जो अलग अलग परीक्षण की जाएगी, हो सकता है ब्लड सैंपल भी लेंगे जिसकी तैयारी भी स्थानीय स्तर पर पूरी हो गई है, पानी के सैंपल के अलावा जो हिस्ट्री और भी अन्य चीजें हैं, यानी कि फोकस पूरी तरह ये रहेगा कि जो पिछली जांच हुई थी उस जांच में क्या कमी रह गई है इसको तलाशने की जो कोशिश जो है एम्स की टीम करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नरसिंहगढ़ में कुराब